नमस्कार, खुरानास फोरम में आपका स्वागत है। अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। अपनी लागत का 10-15% भी यह मूवी रिकवर नहीं कर पा रही है और इसीलिए फिल्म क्रिटिक्स और फिल्मों से जुड़े कुछ लोगों ने उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया है कि अक्षय कुमार ख़त्म हो गए, अक्षय कुमार का अब क्या होगा। यहाँ तक कि उनका पहले से प्लान किया हुआ फॉरेन टूर विद द नेम ऑफ द एंटरटेनर्स, जिसको 5 शहरों में परफॉर्म करना था, उसमें से न्यू जर्सी में यह शो कैंसिल हुआ, तो सोशल मीडिया पर खबर बन गई कि सेल्फी के फ्लॉप होने की वजह से अक्षय कुमार का विदेशी टूर भी रद्द हो गया, उसकी टिकटें नहीं बिकी। लेकिन उन्हें 5 शहरों में परफॉर्म करना था, जिसमें न्यू जर्सी का शो कैंसिल होने के बाद वह एटलांटा, डैलस, ऑरलैंडो और ओकलैंड में परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ के टिकट्स सोल्ड आउट हैं। लगभग 32 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला यह शख्स 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका है और फिल्मों की औसत कमाई देखें तो ही इज़ द हाईएस्ट अर्नर, नॉट फॉर हिमसेल्फ, फॉर द बॉलीवुड। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि वो कौन सा हीरो है जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाकर बॉलीवुड को दिए। भले ही पठान से शाहरुख खान का परचम बॉलीवुड में लहरा रहा हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के मामले में वो अब भी अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन और आमिर खान से काफी पीछे हैं। बॉलीवुड में अपनी फिल्मों के जरिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की बात करें तो इस लिस्ट में है खिलाड़ी अक्षय कुमार। जी हाँ, खिलाड़ी एक साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं और उनकी फिल्में कभी सुपरहिट होती हैं तो कभी अपना एवरेज निकाल लेती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अब तक अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई की है। जी हाँ, अब तक के अपने फिल्मी करियर में 4,834 करोड़ के साथ अक्षय बॉलीवुड के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार बन गए हैं। उन्होंने अपने फिल्मों के जरिए सबसे ज्यादा कमाई की है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सलमान खान। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में 3,881 करोड़ कमाए हैं। अजय देवगन ने भी अपने 31 साल के करियर में खूब पैसे कमाए। सिनेमाघरों में उनकी फिल्मों ने 3,043 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्मों के जरिए सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान 4th नंबर पर है। उनके 31 साल के करियर में उनकी फिल्मों ने 3,029 करोड़ का बिजनेस दिया है। वहीं सबसे प्रॉफिटेबल स्टार की लिस्ट में आमिर खान 5वें नंबर पर हैं। उनकी फिल्मों ने 2,151 करोड़ कमाई की है। 2 बार नेशनल अवार्ड, 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2009 में 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री जीतने वाला अक्षय कुमार क्या इतनी जल्दी हार मान लेगा या उसका करियर अब चौपट हो जाएगा? जी नहीं, लगभग 15 साल पहले 2008 में इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, केप ऑफ गुड फिल्म्स, और उस बैनर में बहुत सारी फिल्में बनी और सक्सेस हुई और आज भी दैट बैनर इज़ वेरी एक्टिव। सेल्फी का इतनी बुरी तरह फ्लॉप होने का मतलब यह नहीं है कि अक्षय कुमार का करियर ख़त्म हो गया। नो, आई डोंट थिंक कि वह इतनी जल्दी हार मानेंगे।